आइए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, दही पनीर। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मानपण रसोई में। रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने एक कप फ्रेश ताज़ा दही लिया है और थोड़े से काजू हैं, इन्हें उबाल लिए हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं काजू, थोड़ी देर पानी में ना उबाल लिया था। 3-4 मिर्चें हरी, उन्हें बीच में से चीर कर 2 भाग में कर लिया और थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर लिया है। और 300 ग्राम है पनीर। अब इसमें डालते हैं हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। और इसमें आधी चम्मच छोटी वाली बिल्कुल हल्दी, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक, जितना हमारी पनीर को चाहिए। देखिए, और थोड़ी सी डालेंगे हम कसूरी मेथी। और सभी सामग्री को हम इसमें डालकर अच्छे से चम्मच से कर लेंगे मिक्स। चम्मच से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम पनीर, और पनीर को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। और इससे मतलब जो हमारी कोटिंग होगी मसाले, बहुत ही टेस्टी पनीर बनेगा एकदम। अब अच्छे से हम इसे करते हैं मिक्स पनीर के लिए। देखिए, चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब चम्मच से हमारा अच्छे से हो नहीं रहा है, तो इसमें हमें हाथ को प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसे हम हाथ से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे इस तरह से कोटिंग करनी है मसाले की। अब रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच बड़ी वाली डाल दिया है घी, और इस तरह से पनीर को लगा के हम पनीर को सेक लेते हैं। 2 बार में हमारा पूरा पनीर सिक जाएगा। देखिए, इस तरह से एक एक पीस लगा देते हैं और पूरे पनीर को हम सेक लेते हैं। अलट पलट के इस तरह से इसे सेकना है। देखिए, इस तरह से अलट पलट के बिल्कुल इस पर एक कोटिंग सी हो जाए पनीर पे। ज़्यादा मतलब डार्क भी नहीं करना है, और इस पे कलर और जो हमारे मसाले अच्छे से अंदर तक इसमें चले जाएं, जिससे पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है सेकने को, फ्राई करने के बाद में। डालने को तो क्या है, हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे फ्राई करने के बाद में इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। इस तरह से मसाले में इसे फ्राई कर लूँ तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। हमारे यहाँ तो इसे पनीर वाली कड़ी बोलते हैं, पनीर और दही की कड़ी। वैसे ऐसे मतलब शहरी भाषा में बोलते हैं दही वाला पनीर। देखिए, इसे निकाल लेते हैं। अब हम पूरे पनीर को बाहर निकाल लेते हैं और इस कढ़ाई को रख देंगे हम अलग। देखिए, पनीर हमारा सब फ्राई हो गया है। अब इस कढ़ाई को हम हटा देते हैं अलग। अभी हमारा दही है, इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल लम्स पहले भी नहीं थे, मैंने चम्मच से अच्छे से फेंट लिया था। अब इससे भी और फेंट लेते हैं एक बार। और दही देखिए अच्छे से फेंट लिया है, और दही हो गया है बिल्कुल बढ़िया। और इसमें जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था ना, वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। और इसे मैं चम्मच से बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, बाद में जब हम पानी डालेंगे उसमें इसे धो के हम डाल लेंगे। देखिए, अच्छे से इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा खूब। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कच्चा जीरा पाउडर। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या है कि हमारा दही फटेगा नहीं। अगर हम मसाले पहले इसमें मिक्स कर लेंगे तो दही फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो हमारा दही फटेगा नहीं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। इसे रखते हैं एक साइड में। और रखते हैं अब कढ़ाई। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने, और जीरा और हींग डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, वही पुरानी वाली रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। देखिए, 4-5 मैंने काली मिर्च ली है, 2 लौंग ली हैं और 1 सफ़ेद इलायची और 1 बड़ी इलायची को मैंने कूट कर ले लिया है, और 1/2 लिया है तेज़पात। अब इस खड़े मसाले को भी हम इसमें डाल देते हैं। और मसाला अच्छे से चटक गया है तो इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं जो चिरी हुई हैं, और डाल देते हैं इसमें मिर्च अच्छे से भुनने के बाद में डालेंगे हम जो हमारी अदरक है बारीक कटी हुई, वो जो मैंने बारीक काट के अदरक ली थी उसे भी डाल लेते हैं। और गैस का फ्लेम रखिए लो, क्योंकि एकदम मसाले जल जाते हैं तेज़ हाई फ्लेम पे, तो इसलिए हमें इन्हें भूनना है, जलाना नहीं है। इसलिए गैस का फ्लेम लो रखिएगा। और इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डाल देती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं पानी। और गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो, क्योंकि लो फ्लेम पर ही मिर्च को डालना चाहिए, नहीं तो एकदम से जल जाती हैं। देखिए, अच्छे से इसमें पानी डाल दिया और इस हमारे मसाले ये भुन गए हैं। अब जो हमने ग्रेवी तैयार की है दही पनीर, दही और काजू की सॉरी, वो हम इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसमें धो के हम वो पानी भी डाल देंगे जिसमें ही ये हमने रखी है, सिर्फ 1/2 कप पानी।
और इसे चलाते हुए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसे हमें चलाना है। देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है और अच्छे से चलाते हुए खूब अच्छे से हमारा दही पक जाएगा। अब इसमें हम जो हमने मसाले मिलाए थे पनीर में वो भी हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं, और जो हमारा मसाला भुना हुआ था जिसमें हमने पनीर सेंका था वो भी हम इसी में डाल देंगे। और अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार डाल दिया है नमक और इसमें अच्छे से आने देते हैं और थोड़ी देर उबाल 2 मिनट। अब अच्छे से हमारी ग्रेवी हो गई तैयार, जो हमारा पनीर है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स चावल के साथ, पूड़ी के साथ और आप रोटी के साथ किसी के भी साथ खाई, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होगी। देखिए कितना अच्छा हमारा इसका कलर आया है। और अब हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं और इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। देख क्रश करके थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी डाल दी है, आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और 2 मिनट के लिए इस पर लगा देते हैं लेड। अब इसका ढक्कन टाक देखते हैं। देखिए लो फ्लेम पर कितनी अच्छी हमारी सब्ज़ी पक रही है, बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनी है, आप भी इस तरह से बनाइएगा। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और अच्छे से धनिया को करते हैं मिक्स। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है गांव के देसी तरीके की सब्ज़ी बनाने के लिए आप तक पहुंच सकें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारी कितनी अच्छी परफेक्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है एकदम। लीजिए हमारा दही पनीर बनकर है तैयार और खाने वाले भी तैयार हैं, आप भी बनाइए खाइए गाँव वाली देसी अंदाज में पनीर वाली कढ़ी, आप कढ़ी भी बोल सकते हैं और दही वाला पनीर भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसे दही पनीर वाली कढ़ी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है चावल के साथ, फुलकों के साथ और आप पूड़ी पराठे के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है, आप भी बनाइए खाइए फ्रेंड्स। और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। राधे राधे।